नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई मास कर्क राशि वाले लवर्स और मैरिड कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों एक नज़र डालें आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर तो दंपत्य और प्रेम जीवन के संबंध में यह स्थिति बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है। खासकर प्रेमियों के लिए यह समय मानसिक सुख शांति आनंद और प्रसन्नता देने वाला रहेगा। समय की शुभता प्रेम संबंधों को मधुर मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगी। ग्रह गोचर पूर्ण रूप से प्रेमी जनों को सहयोग कर रहा है। भाग्य की प्रबलता भी प्रेम जीवन में कई सुखद पल लेकर आएगी। अगर दंपत्य या प्रेम जीवन में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबल शक्ति से वह हालात स्वयं ही दूर हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से शनि की प्रेम प्यार भाव पर कुदृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि प्रेम संबंधों के मामले में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। दंपत्य जीवन के संबंध में भी शनि की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। अब 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन कर दंपत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। शनि के अष्टम डैया से भी राहत मिलेगी। प्रेम प्यार भाव भी शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इससे दंपत्य और प्रेम जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों बात करें प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की तो 13 जुलाई तक शुक्र आपकी राशि के लाभ भाव अपने ही भाव पर गोचर करेगा। शुक्र की यह स्थिति बहुत उत्तम है। प्रेम संबंध हो या दंपत्य जीवन, दोनों ही मोर्चे पर शुक्र का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। यहां से शुक्र की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगल और भाग्य भाव से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टि प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। नए प्रेम प्रसंग शुरू करने और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए समय अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। सिंगल दोस्तों के वीरान पड़े प्रेम जीवन में बहार आएगी। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। लाभ पर शुक्र का संचार मित्रों के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा करेगा। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी मित्रों की अहम भूमिका रहेगी। खासकर स्त्री मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इस अवधि में प्रेम संबंधों को लेकर आप बहुत उत्साहित और प्रसन्नता में दिखाई देंगे। शुक्र दंपत्य कारक भी है। शुक्र की शुभता से प्रेम संबंधों के साथ दंपत्य जीवन में भी प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पति पत्नी में परस्पर आकर्षण और लगाव बढ़ेगा। पत्नी के माध्यम से लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय कार्य व्यापार में विस्तार के लिए पत्नी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा जो कि लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों शुक्र का लाभ पर संचार स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। इस अवधि में अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मन में प्रेम प्यार भावना जागृत होगी। साथी के साथ पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव है तो वह भी दूर होंगे। दोस्तों 13 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और अन्य सुख सुविधाओं पर कुछ व्यय भी करेंगे। साथी के संबंध में व्यय कर सकते हैं। परस्पर समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। किसी दूर स्थल की यात्रा कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में शुक्र की यह स्थिति भी बहुत उत्तम है। 16 जुलाई को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि में अधिकार पसंद गर्म ग्रह सूर्य का संचार आपके स्वभाव में क्रोध और अहम के भाव की अधिकता पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता का खासकर दंपत्य जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य की प्रथम भाव से दंपत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी।
जहां पर शनि पहले से ही गोचरस्थ है। अब सूर्य एवं शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। इससे आपका क्रोध, अहम और जिद्दी स्वभाव दंपत्य जीवन की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। क्रोध के वशीभूत होकर पति पत्नी में परस्पर मतभेद पैदा हो सकते हैं। दोस्तों इस समय खासकर दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें तथा जल्दबाजी एवं आवेश में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। खासकर दंपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें। 17 जुलाई को बुध भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि में बुध की यह स्थिति उत्तम है। उस पर गुरु की दृष्टि आपके बुद्धि बल और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि करेगी। आप अपनी बौद्धिक योग्यता, कार्य कुशलता, ज्ञान और सूझबूझ से हर क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। आपसी समझबूझ से दंपत्य जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। बात करें गुरु की तो मैरिड कपल्स हो या लवर्स, गुरु आपको पूर्ण सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य वापर गोचरस्थ गुरु भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। मुश्किल वक्त में भाग्य को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। गुरु की कृपया से रूठ चुके प्रेमी जन और टूट चुके रिश्ते फिर से ट्रैक पर आते हुए दिखाई देंगे। गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि आपकी राशि के साथ प्रेम प्यार भाव पर पड़ रही है। मंगल यहाँ आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो वहीं गुरु आपको जल्द शांत भी कर देगा। प्रेम प्यार भाव के स्वामी मंगल का राहु के साथ युति योग प्रेम संबंधों के मामले में रंग में भंग डालने का कार्य करेगा। प्रेम संबंधों को लेकर पिता के साथ मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, परंतु दोस्तों गुरु के शुभ प्रभाव से मामला बिगड़ेगा नहीं। गुरु की शुभता और भाग्य की प्रबलता से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्यार करने वालों के लिए आनंद का माहौल बना रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को दूर कर विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। आपकी सकारात्मक सोच से दंपत्य और प्रेम जीवन में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। गुरु की स्थिति और दृष्टियें हर मोर्चे पर सफलता प्रदान करेगी। प्रेमीजनों के मध्य कोई मनमुटाव पैदा होता है तो गुरु के आशीर्वाद से जल्द ही उस विवाद का निपटारा भी हो जाएगा। गुरु की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेम संबंधों को झूठ, फरेब, बेईमानी और धोखेबाजी से दूर रखेगी। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। प्रेमीजन परस्पर एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। प्रेम संबंधों में विचारशील बने रहेंगे। परंतु दोस्तों इस माह कार्यस्थल पर प्रेम प्रसंगों के मामले में ना पड़ें, दूर ही रहें तो अधिक बेहतर है, क्योंकि प्रेम प्यार भाव का स्वामी मंगल की कर्म स्थान पर राहु के साथ युति उत्तम नहीं है। प्रेम प्रसंग को लेकर कार्यस्थल पर मामला बिगड़ सकता है। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। जब तक कर्म भाव पर मंगल एवं राहु का युति योग है, कार्यस्थल पर ऐसे मामलों से दूरी बनाकर रखें। सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।